हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने इसके यूनिट सेकंड से कुछ MCQs इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। और मैं आप सभी का, जिस जिसने भी कमेंट किया है, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। भाई, ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन डिड द लिबरलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में उदारीकरण आंदोलन कब शुरू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1992, नेक्स्ट ऑप्शन है 1990, थर्ड ऑप्शन है 1991 एंड लास्ट ऑप्शन है 1993। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, ये 1991 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, विच मेजर पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल इंफॉर्मेशन यानी कि सामान्य जानकारी, नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस यानी बाजार विश्लेषण, प्लांट लोकेशन, संयंत्र स्थान और प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि उत्पादकता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द आइडियल मेजरमेंट ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स, यानी कि ऋण इक्विटी मिश्रण का आदर्श माप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 3:1, नेक्स्ट ऑप्शन है 1:1, थर्ड ऑप्शन है 2:2 एंड लास्ट ऑप्शन है 2:1। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि 1:1 एक आइडियल मेजरमेंट है डेब्ट इक्विटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ मेनी कंट्रोल बोर्ड्स आर देयर इन द कंट्री एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में देश में कितने कंट्रोल बोर्ड हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 14, नेक्स्ट ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 13 एंड लास्ट ऑप्शन है 10। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड, यानी कि सरकार द्वारा संगठित नियंत्रित और प्रबंधित उपक्रम कहलाते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी चीज़ को संगठित किया जाता है यानी कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है यानी कि नियंत्रण में किया जाता है, मैनेज करने का काम किया जाता है, उस वो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी विभागीय उपक्रम, नेक्स्ट है गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग यानी सरकारी उपक्रम, थर्ड है पब्लिक कॉरपोरेशन यानी सार्वजनिक निगम, लास्ट है स्टेचुरी कॉरपोरेशन यानी कि सामुदायिक निगम। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो भी गवर्नमेंट मैनेज कंट्रोल ये सब करने काम करती है उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ मैनी परसेंट शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड इन अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि सरकारी कंपनी में सरकार के कितने प्रतिशत शेयर होने चाहिए, यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट के उसमें कितने परसेंट कितने प्रतिशत शेयर होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 49%, नेक्स्ट ऑप्शन है 51%, थर्ड ऑप्शन है 50% एंड लास्ट ऑप्शन है 52%। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि 51% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, ब्यूरोक्रेसी इज ऑफ, यानी कि नौकरशाही को भी कहा जाता है, यानी कि इसको हम और किस नेम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अलॉटमेंट यानी कि आवंटन,
नेक्स्ट ऑप्शन है रेड टैपेज यानी कि लाल फीताशाही। थर्ड ऑप्शन है पब्लिक सर्विस यानी सार्वजनिक सेवा। लास्ट ऑप्शन है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है यानी कि रेड टैपिज्म, ब्यूरोक्रेसी को हम रेड टैपिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज पब्लिक कॉरपोरेशन कॉल्ड, यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन को क्या कहते हैं, सार्वजनिक निगम को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेचुरी कंपनी यानी वैधानिक कंपनी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल कंपनी यानी विभागीय कंपनी। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि स्टेचुरी कंपनी इसको कहा जाता है। लिसनर्स, इस चीज़ सब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस से, उन सभी में मैंने इस रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि सब चीज़ बेसिक्स जितनी भी हैं वो सब बताई हुई हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस भी करने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, यानी कि कौन सा इसमें से पब्लिक कॉरपोरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है, यानी कि जो एक सार्वजनिक निगम की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन यानी कि गठन। नेक्स्ट ऑप्शन है ओन एम्प्लॉयज यानी कि खुद के कर्मचारी। थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग यानी स्वतंत्र वित्त पोषण। लास्ट ऑप्शन है लिमिटेड सुइटेबिलिटी यानी कि सीमित उपयुक्तता। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है यानी कि लिमिटेड सुइटेबिलिटी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। लिमिटेड सुइटेबिलिटी सार्वजनिक निगम की विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मैनी वेज आर पब्लिक एंटरप्राइजेस मेनली ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में मुख्य रूप से सार्वजनिक उद्यमों को कितने तरीके से संगठित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, नेक्स्ट ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है यानी कि 4। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करके, कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आपके कमेंट करने से भी मुझे मोटिवेशन मिलती है, लाइक करने से भी मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन डिड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इमर्ज, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का उदय कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1970, नेक्स्ट ऑप्शन है 1973, थर्ड ऑप्शन है 1972 एंड लास्ट ऑप्शन है 1971। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि 1970 में यह उदय हुआ। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द डे टू डे वर्किंग इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ, यानी कि दिन प्रतिदिन के कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप के मामले में सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी विभागीय उपक्रम। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी। थर्ड है स्टेचुरी कॉरपोरेशन यानी सांविधिक निगम एंड लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दिन प्रतिदिन के कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मामले में अधिक है, विभागीय उपक्रम के मामले में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डीमेरिट ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन, यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन के डीमेरिट में इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है।
यानी कि जो एक सार्वजनिक निगम के अवगुण में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिंजेंट यानी कि कड़े। नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड ऑटोनॉमी यानी कि सीमित स्वायत्तता। थर्ड है ओवर टाइम ऑब्जर्वेशन यानी समय के साथ अवशोषण। एंड लास्ट है इलास्टिसिटी यानी कि लोच। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है यानी कि इलास्टिसिटी नहीं इंक्लूड है पब्लिक कॉरपोरेशन के डीमेरिट में, लोच है जो एक सार्वजनिक निगम के अवगुण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द नेम पावर ऑफ अ स्टेचुरी कॉरपोरेशन इज डिफाइंड, यानी कि एक वैधानिक निगम की प्रकृति और शक्ति को परिभाषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल स्टैट्यू यानी विशेष कानून, यहाँ पे स्टूडेंट्स कानून हो गया है, कानून है यहाँ पे, सो इसको सही से देख लीजिएगा, कानून है ये, विशेष कानून इसका हिंदी मतलब है। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि कंपनी अधिनियम 2013। थर्ड है बोथ एंड बी यानी कि दोनों। एंड लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि स्पेशल स्टैट्यू विशेष कानून जो एक नेचर एंड पावर है स्टैचुरी कॉरपोरेशन का, इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी सरकारी कंपनी के मुनाफे में क्या शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन यानी आसान गठन। थर्ड है इजी फंडिंग यानी कि आसान वित्त पोषण। एंड लास्ट है पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन यानी संसदीय हस्तक्षेप। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है यानी पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन संसदीय हस्तक्षेप नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के मुनाफे में इंक्लूड नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, गवर्नमेंट कंपनीज हैव डैश स्टेटस, यानी गवर्नमेंट कंपनी का क्या स्टेटस है, सरकारी कंपनियों की क्या स्थिति है। फर्स्ट ऑप्शन है लीगल यानी कि कानूनी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। थर्ड है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। एंड लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि लीगल यानी कि कानूनी। गवर्नमेंट कंपनी एक लीगल स्टेटस है, सरकारी कंपनियों की स्थिति कानूनी स्थिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, कंपनी इज मैनेज्ड बाय यानी कि कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर यानी शेयर धारक। नेक्स्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल। थर्ड ऑप्शन है कर्ता, कर्ता को हिंदी में कर्ता ही कहते हैं लिसनर्स। एंड लास्ट है बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि शेयर होल्डर और कर्ता दोनों। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल। कंपनी को मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, कंपनी प्रबंधित होती है निदेशक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज, यानी कि एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी एक माना जाता है, यानी कि अगर एक सरकारी कंपनी है तो उसकी अगर सहायक कंपनी है सब्सिडियरी कंपनी है तो उसको क्या माना जाता है, क्या माना जाता है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी माना जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी माना जाता है। थर्ड है प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी। एंड लास्ट है ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सब माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की सहायक कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इंडिया से बाहर के देश में निगमित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरेन कंपनी यानी कि विदेशी कंपनी। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि फॉरेन कंपनीज जो हैं, यानी कि विदेशी कंपनियां इंडिया से बाहर के देश में निगमित हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि यह फॉरेन कंपनी क्या होता है। इसको जानने के लिए आपको जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस भी आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्लूड्स, यानी कि अल्पसंख्यक हित में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर इन शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर पूंजी में शेयर। नेक्स्ट है शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि पूंजीगत लाभ में हिस्सा। थर्ड है शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि राजस्व लाभ में हिस्सा। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या मुझे और भी ऐसे वीडियोस अपलोड करने चाहिए। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैंने नहीं भी तो 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर एक भी इसमें से क्वेश्चन फंसता है तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ही लाभकारी होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ अपने शुभ हाथों से नीचे एक रेड कलर में लिखा होगा वर्ड सब्सक्राइब, उसको ज़रूर कर दें, ताकि इस वीडियो के लिए भी सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो। अब आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रॉफिट अर्नड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज, यानी कि शेयर के अधिग्रहण के बाद अर्जित लाभ को के रूप में माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि पूंजीगत लाभ। नेक्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी राजस्व लाभ। थर्ड ऑप्शन है जनरल प्रॉफिट, यानी सामान्य लाभ। एंड लास्ट ऑप्शन है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन लाभ। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्नड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि शेयर के अधिग्रहण के बाद अर्जित लाभ को राजस्व लाभ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ड कॉरपोरेशन इज ड्रेस देन कंपनी, यानी कि जो कॉरपोरेशन शब्द है वो कंपनी से बड़ा है छोटा है ये पता करना है, यानी कि वर्ड कॉरपोरेशन कंपनी की तुलना में डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है नैरो, यानी कि एक तीर, यानी कि नेक्स्ट है वाइडर यानी व्यापक। थर्ड है ए और बी यानी दोनों। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि वाइडर। कॉरपोरेशन जो वर्ड है वो व्यापक है, किसकी तुलना में, कंपनी की तुलना में, यानी कि जो वर्ड कॉरपोरेशन है वाइडर है कंपनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि समेकित विवरण द्वारा तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक। थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन है सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी। थर्ड ऑप्शन है होल्डिंग कंपनी। एंड लास्ट ऑप्शन है लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी यानी कि सूचीबद्ध सहायक कंपनी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी के द्वारा ये विवरण तैयार किया जाते हैं, यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि कोई भी नया ब्रांच ओपन करना किसका एग्जांपल है, नई शाखा खोलना किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्राम डिसीजन यानी क्रमादेशित निर्णय। नेक्स्ट है नॉन प्रोग्राम डिसीजन यानी कि गैर क्रमादेशित निर्णय। थर्ड है इंडिविजुअल डिसीजन यानी कि व्यक्तिगत निर्णय। एंड लास्ट है नॉन इकोनॉमिक यानी कि गैर आर्थिक। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन यानी कि गैर क्रमादेशित निर्णय, नई शाखा खोलना इसका एग्जांपल है, यानी कि न्यू ब्रांच ओपन करना नॉन प्रोग्राम डिसीजन का क्या है एग्जांपल है, और एक नई शाखा खोलना इसका एग्जांपल है, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोग्राम डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड,
यानी कि क्रमादेशित निर्णय को भी कहा जाता है, रूटीन डिसीजन यानी कि नियमित निर्णय, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिसीजन यानी संरचनात्मक निर्णय, थर्ड है स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी कि सामरिक निर्णय, एंड लास्ट है ऑपरेटिव डिसीजन यानी कि ऑपरेटिव निर्णय। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑपरेटिव डिसीजंस, ऑपरेटिव निर्णय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, द डिसीजन विच हैज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, यानी व्यवसाय पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाला निर्णय है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्राम डिसीजन यानी क्रमादेशित निर्णय, नेक्स्ट है नॉन प्रोग्राम डिसीजन यानी कि गैर क्रमादेशित निर्णय, थर्ड है इंडिविजुअल डिसीजन यानी व्यक्तिगत निर्णय, एंड लास्ट है नॉन इकोनॉमिक यानी कि गैर आर्थिक। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड आर शोन इन डैश ऑन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, यानी कि खरीदे गए और भुगतान बुने किए गए बिलों को बैंक की बैलेंस शीट पर डैश में दिखाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल 10 अनुसूची 10 में, नेक्स्ट है शेड्यूल 8 यानी अनुसूची 8 में, और थर्ड है शेड्यूल 9 यानी अनुसूची 9 में, एंड लास्ट है शेड्यूल 12 यानी कि अनुसूची 12 में। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि शेड्यूल 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इज एम्प्लॉयड इज कॉल्ड, यानी कि एक संगठनात्मक संरचना जिसमें विभागीकरण के एक टाइप से अधिक कार्यरत है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिक्स्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि मिश्रित विभागीकरण, नेक्स्ट है प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि प्रक्रिया विभागीकरण, थर्ड है मैट्रिक्स फॉर्म यानी मैट्रिक्स फॉर्म, एंड लास्ट है सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि मिक्स्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, मिश्रित विभागीकरण, मिक्स्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क एंड देन ग्रुपिंग देम इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज, यानी कि कोई भी काम को विभाजित करना फिर उसको एक साथ ले आना यूनिट्स में, सब यूनिट्स में एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से, उसको क्या कहा जाता है, यानी कि प्रशासन के उद्देश्य के लिए कार्य को विभाजित करने और उन्हें फिर उन्हें इकाइयों और उप इकाइयों में समूहित करने की प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंटेशन यानी कि विभाग, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी संगठन संरचना, थर्ड है कमिटी यानी समिति, एंड लास्ट ऑल ऑफ दी एवब यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि डिपार्टमेंटेशन विभाग, यानी कि कोई भी काम को पहले डिवाइड करो वो प्रोसेस, फिर उसको ग्रुपिंग करो यूनिट्स और सब यूनिट्स में एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से, उसको हम डिपार्टमेंटेशन कहते हैं, यानी कि प्रशासन के उद्देश्य के लिए कार्य को विभाजित करने और इन्हें फिर इकाइयों और उप इकाइयों में समूहित करने की प्रक्रिया विभाग कहलाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि डिपार्टमेंटेशन है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, और यू कहें लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द लास्ट आइटम टू अपीयर अंडर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, यानी कि ये लास्ट आइटम है जो कि कैपिटल एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के, यानी कि बैंक का बैलेंस शीट में जब कैपिटल एंड लाइबिलिटीज जब अपीयर किया जाता है तो कौन सा लास्ट आइटम है। फर्स्ट ऑप्शन है, हिंदी में भी पहले देख लेते हैं, या बैंक की बैलेंस शीट की पूंजी और देनदारियों के तहत प्रदर्शित होने वाली अंतिम वस्तु है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि रिजर्व और अधिशेष, एंड नेक्स्ट है डिपॉजिट्स यानी जमा, थर्ड है बोरोइंग यानी उधार लेना, एंड लास्ट है अदर लाइबिलिटीज यानी कि अन्य देनदारियां। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यहाँ पे एंड प्रोविजंस छूट गया है लिसनर्स, तो मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस इसका आंसर है। नेक्स्ट है आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप सभी को मैंने जितना भी इस वीडियो में समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्प के ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी भी हेल्प करता है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस
वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।